पवार साहब, अभी आप सुन रहे हैं कि बीजेपी का उनका गठबंधन होना चाहिए, आपको लगता है कि गठबंधन बीजेपी के साथ होना चाहिए? नहीं। क्यों, कोई कारण मानते हैं? नहीं, बीजेपी कर ले राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन, बात तो वही है। हाँ, नहीं उन्हें जरूरत हो, लोकदल को कोई जरूरत नहीं है। लोकदल एक अपने जो देश में गठबंधन नया बन रहा है उसके साथ जाएगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम जो है आज ये आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनका जो यहाँ धरना प्रदर्शन है, जो सीबीआई की जांच है, उसके समर्थन में आज दिल्ली आए हैं। आरएलडी के काफ़ी कार्यकर्ता हर जिले से बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए, अब जयंत चौधरी को कहा है कि तुम चंद्रशेखर को भी अपने साथ लगा लो और धीरे धीरे जो है बीजेपी की राह पर पकड़ लो, तब आपका फायदा हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, किसने कहा? बीजेपी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, राजनीतिक सत्ता के नज़दीक रहते हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह हैं, वो पार्टी के मुखिया हैं। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या मीडिया है या कुछ भी है, वो हमारी पार्टी का भविष्य थोड़ी तय करेगा। वो कह रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी को विपक्ष में तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बीजेपी उन्हें मंत्री जरूर बना सकती है। मैं मंत्री पद अगर चाहता, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, पहले चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो हैं, जो इस पार्टी के सर्वे संस्थापक थे, किसानों मजदूरों को लेकर उन्होंने राजनीति करी है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने किसान मजदूर की राजनीति करी है। अब चौधरी जयंत सिंह तीसरी पीढ़ी में किसान मजदूर की राजनीति कर रहे हैं। अजीत सिंह भी तो बीजेपी के साथ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को क्या दिक्कत है, चले जाइए। अगर जनता का किसानों का हित करना है तो सत्ता के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुनो, अब सरकार बीजेपी की है, वो भी तो किसानों का हित करना चाहिए उसे। भाई खाली जयंत सिंह जो हैं वो ही किसानों के नेता थोड़ी हैं। अगर बीजेपी को किसानों की चिंता है, वो सरकार में है, केंद्र में उनकी सरकार है, स्टेट में उनकी सरकार है, जितना भी किसान के लिए कर सकते हैं करिए। क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहिए, कोई खास कारण? खास कारण ये है कि बीजेपी कोई देश हित में काम नहीं करती है, ना तो किसान के हित में काम है। और एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी बात ये है, आप ये लगाइए कौन सा नौकरी मिली है? बोली थी ना 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली अब तक। ठीक है, आपको क्या लगता है जी? देखिए, लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो फिर पश्चिम का विकास भी होगा, लेकिन वो नहीं मिलाएंगे तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं आने ये लोग कह रहे हैं। जब सरकार पहले आई, लोग किसानों की दुगनी आय कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, क्या वो आगे? केवल जुमला और झूठ, कोई भी सत्ता नहीं मिलेगी। ये झूठे का विकास है, बाकी कोई नहीं। हमारे जयंत चौधरी हो या चौधरी अजीत सिंह रहे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह रहे, वो जब भी लिए गए तो वो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के मसीहा रहे। ये कोई मसीहा नहीं है, ये केवल जुमला पार्टी है, इसमें कोई सत्ता नहीं है, आप देख लीजिए। लेकिन जयंत चौधरी की भाषा तो ऐसी लग रही है कि 50-50 है, वो जा भी सकते हैं तो भी स्वागत, नहीं जाएंगे तो भी स्वागत। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो करके दिखाते ना, हम तो जब मानते देश के साथ क्यों उनकी बात नहीं बन रही है? अब ये तो उल्टी को यही चलाया जा, कोई तो हमारे नेता तो नहीं करे, बन कहा नहीं रही, बताइए नहीं रही, सब बन रही है। चौधरी नहीं, नहीं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह, उन्होंने कोई बयान ऐसा दिया कि अखिलेश यादव से उनकी कोई बात नहीं बन रही है? किसी के पास इसका प्रूफ है कि भाई चौधरी जयंत सिंह ने यह कहा है कि अखिलेश से मैं अलग हो रहा हूँ, या समाजवादी से हमारा गठबंधन नहीं है, या अखिलेश और हमें कोई खटास है? कोई भी अंदाजा लगाया है, मैं लगा वहाँ अपलाए, कोई मीडिया लगाए, कुछ भी लगाए, राजनीति है। उसने कहा कि निकाय चुनाव में अखिलेश और जयंत की बात नहीं बन पाई, इस वजह से जयंत चौधरी नाराज हैं और बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। निकाय चुनाव अलग चीज़ है, अब ऐसा कोई प्रधानी का चुनाव अब आ गया उसमें, तो प्रधानी का चुनाव भी कोई हम सिंबल पर लड़ेंगे क्या? निकाय चुनाव अलग चीज़ है, लोकसभा विधानसभा अलग चीज़ है, ये उसमें गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। गठबंधन रहेगा, ऐसा हो जाएगी कांग्रेस और जयंत चौधरी और चंद्रशेखर ये साथ आए, समाजवादी ना हो? वो तो पूरा हो ना, उसमें तो कोई बात, समाजवादी के साथ रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, मिला अगर मान लो गठबंधन है तो सबके साथ रहेंगे हम तो अपने गठबंधन, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जी आपको क्या लगता है, भाजपा के साथ जाना चाहिए? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, केवल झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब सुनिए दूसरी चीज, विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने वादा किया था हम तुम्हारी बिजली माफ करेंगे किसानों की, आज तक कुछ करा नहीं, केवल झूठ के अलावा कोई इनके पास रास्ता नहीं है, लोगों को बरगलाने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं। ये जो उनसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैन जी, मतलब जो उसे मिलेंगे कि नाम गठबंधन में आ रहे भाजपा में, केवल वे खुद अपना आप स्टेटमेंट दे रहे, कोई नहीं दे रहा, मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए अब जयंत चौधरी की मांगे भी मान लेगी केंद्र सरकार तो जयंत चौधरी शामिल हो जाएंगे, गठबंधन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं होने के, वे एक दिन पेपर में दे दिया कि मंत्री जी बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, इन्हें फलाना कर रहे, केवल उनके स्टेटमेंट है, पार्टी की तरफ से किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपको लगता है सब मीडिया में बातें झूठी हो रही हैं? झूठी है, केवल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सारा उनके पास में कैप्चर है,
केवल सोशल मीडिया ही केवल जो बात सही कह रही वही कह रही, वे नहीं कहते कुछ भी। बाई प्रूफ जो भी कह रहे हैं, कोई मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई भी हो, कोई बाई प्रूफ ये तो बताए कि मेरे सामने ये बात हुई है, वार्ता हुई है चौधरी अजीत सिंह से, उसे चौधरी जयंत सिंह से ये लोग मिले हैं, इनकी आपस में मीटिंग है, कोई बाई प्रूफ बताए तो। पहली मीटिंग में नहीं गए थे, जब पहली मीटिंग विपक्षी से लोग बाहर थे, बाहर गए थे, वो बाहर थे, इंडिया से बाहर थे। तो ठीक रहेगा, 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 के चुनाव में सरकार चेंज होगी, गठबंधन की सरकार आएगी। प्रधान शहर से आए हैं, तो प्रधान जी अब देखिए चर्चा चल रही है कि जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, जयंत जी ने क्लियर कर दिया हम नहीं जाएंगे भाजपा में। अगर चले जाएं तो क्या दिक्कत? कुछ भी नहीं, नहीं उनका उनका निर्देश है तो माना, जब आदेश हो तो माना जाएगा। बताइए, आप एक कार्यकर्ता है, बीजेपी सत्ता में है, तो आपको नहीं लगता कि कभी हम भी सत्ता में रहें तो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? हमारी पार्टी संघर्ष की पार्टी रही है, हमारी पार्टी खेत से लेकर संसद तक हमेशा सड़क पर संघर्ष किया है, तो हमें कोई सत्ता का वो नहीं है, लालच नहीं कि हम सत्ता में रहें। हम कमेरे किसान गरीब की आवाज उठाते हैं, उनके लिए हकों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। बीजेपी डोरे डाल रही है जयंत चौधरी पर, या जयंत चौधरी का भी मन कर रहा है कि मैं बीजेपी में चला जाऊं? ये प्रोपगंडा है भाजपा का, भाजपा की एक इकाई है जो इस तरह के प्रोपगंडा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब, बीजेपी के साथ जयंत चौधरी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो तो उनका निर्णय है, हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो जो निर्णय लेंगे हम मानेंगे। बाकी ये है, ये डोरे फर्जी आईटी सेल है इसका, बीजेपी का ये फैला रहा, ऐसी कोई भी बात ही नहीं हुई जयंत चौधरी की बीजेपी से? कोई बात नहीं है अभी तक, आज तक 21 तारीख तक कोई बात नहीं है, आगे क्या होगा कैसा होगा उसका बाद में देखा जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि जयंत चौधरी को बीजेपी में इसलिए शामिल होना चाहिए कि देखिए सत्ता के बिना विकास कार्य नहीं होंगे, आपको कैसे लगता है? हमारे अध्यक्ष जी को कोई लालच नहीं है किसी तरह का, हमारे अध्यक्ष जी किसान वर्ग के साथ हैं, मजदूर वर्ग के साथ हैं, कमजोर वर्ग के साथ हैं, और बीजेपी किसी को नहीं सुन रही है, अपनी मर्जी से कर रही है जो कुछ कर रही है, मगर हमारे अध्यक्ष जी उसके विरोध में ही खड़े रहेंगे, चाहे उनका कुछ भी विकास ना हो, कुछ भी ना हो, मगर रहेंगे विरोध में ही, वो सत्यता पे अड़े हुए हैं, अड़े रहेंगे, किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, कमजोर वर्ग के साथ हैं। ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ये सब उन्हीं की देन है, हमारे अध्यक्ष जयंत जी और चंद्रशेखर जी दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ हैं, यहाँ हैं और दिखाई दे रहा सब कुछ। आपको क्या लगता है भाई साहब, जयंत चौधरी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या कुछ और परिवर्तन होना चाहिए सियासत में? नहीं, हमारे चौधरी साहब अपनी जगह पे बिल्कुल जैसे पहले बोला था उन्होंने, आपको पता होगी मीडिया के सामने बोला था कि मैं चवनी न्यूज पढ़ जाऊंगा, और इतनी हिम्मत थोड़ी हो जाएगी बीजेपी वालों की। हमारे चौधरी की भाई साहब बीजेपी के साथ जो है ना टिकटों पे बात नहीं बन पाई है, अगर सीटों पे बात बन जाए तो जयंत चौधरी भाग के चले जाएंगे। वो जो भी कह रहे हैं ना लोग, उनसे कहा होगा किसी ने, आप लोगों को समझा के भेजा होगा बीजेपी वालों ने, उनको समझा के भेजा होगा ऐसे बोलो, ये चल रहा है बीजेपी में। ये लोग क्या करते हैं, ये फेसबुक के माध्यम के द्वारा, मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो भी है ये गलत तरीके से उस बात को बढ़ा चढ़ा करते हैं। बाकी चौधरी साहब का जो भी निर्णय है, जो भी है, बीजेपी को सभी गठबंधन नहीं होगा, ये हम आपको आश्वासन दिला देते हैं।